क्या प्रेगनेंसी किट गलत हो सकती है, क्या प्रेगनेंसी किट आपको गलत रिजल्ट शो कर सकती है, आप प्रेग्नेंट है फिर भी जो है आपको निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, या फिर जो है आपको हल्की लाइन दिख रही है, तो इसका क्या मतलब होता है और किस कंडीशन में जो है आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है, इसकी क्या वजह है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं कि किट में जो है आपको गलत शो क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब भी किट परचेस करते हो तो आपको जो है हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना है कि किट के पीछे का जो है आपको एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया होगा किट तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी रिजल्ट सही मिलने का आपको गारंटी नहीं होता है। दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम हमको जो है किस कंपनी का किट परचेस करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कंपनी का किट जो है ज्यादा अच्छा है या फिर इस कंपनी का किट जो है बराबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप किट अवेलेबल है वो जो है 90% एक्यूरेट 99-95% जो है एक्यूरेट रिजल्ट देते ही है, 100% भी रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि किट में जो है गलत रिजल्ट आपको शो करने वाला है, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि किट में कोई डिफेक्ट हो जाता है या फिर किट एक्सपायर होता है जिसके वजह से जो है आपको गलत रिजल्ट बता देता है। अब मैं खुद के एक्सपीरियंस पे आपको बताऊंगी कि रिजल्ट कैसे गलत शो हो सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि उनको जो है प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स हैं, उनकी पीरियड मिस हो गई है, फिर भी अगर वो उन्होंने चेक किया तो उनको जो है पहले पॉजिटिव रिजल्ट आया, उनको दो डार्क लाइन आ गई। मान लीजिए उनको पीरियड मिस होने के बाद जो उनको दो डार्क लाइन आ गई, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने जब चेक किया तो उनको जो है लाइन हल्की सी आई, या फिर उसके बाद उन्होंने जब चेक किया तो उनको फुल निगेटिव रिजल्ट आया। अब आप बताइए, पहले आपको पॉजिटिव आया, फिर आपको हल्की लाइन आई, फिर आपको निगेटिव आई, और आपने जब भी कंसल्ट किया तो आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये किस वजह से हुआ, क्या किट की गलती है, क्या किट डिफेक्टिव है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, बहुत अर्ली स्टेज है, आपकी बॉडी में जो एसजी लेवल हाई हुई, लेकिन बिकॉज आइदर आपकी प्रेगनेंसी करेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है, जिसके वजह से जो है आपकी पीरियड मिस होते हुए आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर केमिकल प्रेगनेंसी जो है आगे बढ़ नहीं सकती है, प्रेगनेंसी जो है आपके आगे सक्सेसफुल नहीं होगी, जिसके वजह से जो है धीरे धीरे आपका एसजी का लेवल जो है ड्रॉप होने लग जाता है, और बाद में जब आप चेक करती हैं तो आपको हल्की लाइन आती है, उसके बाद जब आप चेक करती हैं तो निगेटिव आता है, क्योंकि तब तक जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रही है जिसके वजह से जो है आपको निगेटिव रिजल्ट आ गया है या फिर आपको हल्की लाइन आ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका किट गलत है, हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी भी किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ है जिसके वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि उनकी जो है अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड मिस होने के बाद चेक करते हैं तो डायरेक्ट उनको हल्की लाइन ही आती है, तो उनको लगता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, क्योंकि जो है हम बोलते हैं कि फेंट लाइन आना मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाना, तो अर्ली टाइम पे वो जब चेक करती है उनको तो हल्की लाइन आती है, फिर बाद में जो है उनको निगेटिव आता है, तो बोलती है कि किट गलत है जो हमें फेंट लाइन शो करता है। तो अब ये फेंट लाइन उसने क्यों शो किया, हो सकता है कि आपकी जो है आपने जब किट यूज किया, किट यूज करने के बाद आपने बहुत ज्यादा टाइम उसको रख दिया, आपने मान लीजिए उसमें लिखा रहता है कि 5 मिनट आपको वेट करना है, लेकिन आप 5 मिनट नहीं बहुत ज्यादा वेट कर लेती है, 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लेती है, उसके बाद जो है आप देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई हल्की लाइन तो नहीं है, तो उसमें आपको एक बहुत हल्की से लाइन आती है, तो वो लाइन जो है आपकी पॉजिटिव फेंट लाइन नहीं होती है, आपकी जो है एवापोरेशन लाइन होती है, जिसको आप देख के ये सोचते हो कि शायद वो फेंट लाइन है, शायद वो पॉजिटिव लाइन है। तो ये एक चांस हो सकता है, ये एक सिचुएशन हो सकता है कि जिस वजह से आपको फेंट लाइन दिखी, क्योंकि जो है आपने बहुत ज्यादा टाइम वेट कर लिया, जिसके वजह से जो किट में एक एवापोरेशन लाइन आ गया है, और वो जो है आपको इसके वजह से वहां पे आपको लाइट पिंक बहुत हल्की सी जो है आपको लाइन दिख रही है। तो ये जो है प्रॉपर आपका निगेटिव है, आपका निगेटिव ही था, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी जिसके वजह से ये लाइन आपको देखने को मिला है। अब एक और कंडीशन होता है कि मान लीजिए अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपको मिसकैरेज हो गया है, आपकी पीरियड मिस होने के पहले आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया,
या फिर जो है आपकी अर्ली स्टेज पे मिसकैरेज हो गया, जिसके वजह से भी जो है आपको फेंट लाइन दिखती है, क्योंकि बहुत अर्ली टाइम पे जो है आपने मिसकैरी कर लिया है, जिसके वजह से जो है आपकी बॉडी में थोड़ी तो है एसीजी लेवल बढ़ी थी, जो धीरे धीरे घटने लग गई क्योंकि आपकी मिसकैरेज हो गया है, जिसके वजह से जो है आपको हल्की लाइन दिख गई और बाद में आगे जाके निगेटिव हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो है किट आपको हल्की लाइन दिखाने के बाद आपको निगेटिव शो कर सकता है। तो इसमें भी जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या होता है कि आप जब किट यूज करते हो तो हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या करने के टाइम जो है आपने किसी तरीके का जो है हार्मोन्स के कुछ मेडिसिनेशंस आपका चालू होगा, कुछ मेडिसिंस आप लेते होंगे, जिसके वजह से जो है आपकी बॉडी में उस टाइम पे जो है एसजी का लेवल थोड़ा हाई था और आपने उस टाइम पे जो है किट यूज किया, जिसके वजह से जो है आइदर आपको फेंट लाइन देखने को मिल गया होगा या फिर आपको पॉजिटिव देखने को मिल गया होगा, हल्की डार्क लाइन हो गई होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में उस टाइम पे जो है एसजी का लेवल हाई होगा बिकॉज ऑफ मेडिसिंस। तो ये एक कंडीशन हो सकता है जिसके वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव दिखता होगा लेकिन जो है आपकी पॉजिटिव नहीं होगी। तो ये सारे कंडीशन है जिसके वजह से जो है इससे आपको बहुत टाइम लगता है कि किट ही डिफेक्टिव है, किट गलत शो करती है, या फिर फेंट लाइन का मतलब ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि आपको फेंट लाइन का मतलब जो है निगेटिव है, बिल्कुल नहीं। अर्ली प्रेगनेंसी में जो है एज यूजल देखा जाता है कि पहले बहुत सारे महिलाओं को अगर मान लीजिए उन्होंने पीरियड मिस होने के पहले चेक किया या फिर उसके बाद भी चेक किया तो उनको फेंट लाइन आता है और बाद में कुछ दिन बाद जो है जैसे एसजी लेवल बढ़ता है तो वो डार्क हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है आपका किट गलत बताए, किट जो है मोस्टली आपको करेक्ट रिजल्ट ही देता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है किट का यूज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं, किट के पीछे लिखा होता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है और आपका किट जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में होप मैं ये कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है किट कैसे वर्क करता है, आपके बॉडी में जैसे जैसे एसजी लेवल बढ़ेगा तभी जो है वो आपको करेक्ट रिजल्ट दे सकता है, वो जो है एसजी लेवल को डिटेक्ट करने के बाद आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।